Well, you only need the light when it's burning low. Only मेरे को पिंगी बहन क्या रखा है दारू बदल चाहिए तुझे? तेरे को कितने इंजेक्शन लगे? 10 लगे के रहना सारे जीबीपीआईटी के स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है ठीक है बेस्ट। और ये हमारी क्लास की कन्या है, हेलो कर दो भाई। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड 3। और आज एपिसोड 3 उठ चुके हैं हम, और आज हमारे साथ हमारे दोस्त सुबह सुबह मिल चुके हैं आप हमें यहाँ पे। और हाय कर दो कैमरा। गुड मॉर्निंग गाइस, स्टार्ट योर डे विद सम यूटोपिया। ये हमारे भाई स्टैंड अप कॉमेडियन है, और ये हमारे भाई हरिद्वार से है। ये मेरे साइड की क्या है आपको एक चीज दिखाता हूँ, क्लाउड्स आर मूविंग। सुबह सुबह होते ही इतना खूबसूरत नजारा, इससे पहले बताया मतलब पूरी धुंध हो रखी थी यहाँ पे, अब धुंध साफ हो रहा है। यहाँ पे पता है कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे बंदर कूड़ा खा रहा है यहाँ पे, और अब मुझे जाना है, मैं कैसे करके जाऊंगा? बंदर ने कोहराम मचा रखा है पूरी सीढ़ियों पे, जाने नहीं दे रहे हैं बिल्कुल मुझे ऊपर। और ये देखिए दूसरा डस्टबिन भी यहाँ पे गिरा रखा है बंदर ने, और क्लास जा रहे हैं लौंडे, लौंडे क्लास जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। बंदर चेकआउट कर लेते हैं बाद में। तो गाइस चेक दिस आउट, बच्चे धूप सेक रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे देखिए एक पपी भी आया है धूप सेकने के लिए, शायद इसकी भी क्लास है, और ये भी वेट कर रहा है अपनी क्लास में आने का। और ये देखिए पिंकी आई है डिपार्टमेंट में, देखो पिंकी बहन के आ रखा है। कंधों को किताबों के बोझ में झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। ये हमारी क्लास की अनुष्का है, हेलो हेलो। कैसे हूँ अभी मैं क्लास में, और आपको चेकआउट कराता हूँ अपनी क्लास। यहाँ मेरी क्लास होती है, और ये चेकआउट कर लो, ये सारा इस साइड भी दिखा देता हूँ, ये लोग भी आ रखे हैं हमारी क्लास में, और अभी क्लास होने वाली है। और क्लास के बाद मिलते हैं, हम आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए मैडी की दुकान में, सुबह उठते ही यहीं पे खा लेते हैं हम नाश्ता। पैसे देना हमारी पड़ जाता है, पैसे तो है ही नहीं, उधारी में खा रहे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? ए देखो टीआईगढ़ भाई कौन सा फोन लेके आया, इससे बनाऊं मैं, ला इधर दे फिर। तो गाइस 15 प्रो मैक्स देख लीजिए आप, इससे हम वीडियोस बनाने वाले हैं, इसके रिजल्ट चेकआउट करवाता हूं आपको थोड़े से। अभी मैं 1x पे शूट कर रहा हूं, मैंने 2x पे शिफ्ट किया, और अब मैंने 3x पे शिफ्ट किया। क्लियरिटी देख सकते हो आप कितनी प्यारी आ रही है। और अब मैं थोड़ा और जूम करने वाला हूं, ये चौखम्मा पर्वत है, इस पर थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको। वाह यार बहुत तगड़ी, 10x पे जूम है गाइस ये। और स्टेबिलिटी चेकआउट कर लो आप, स्टेबिलिटी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। एंड ये देख लो, अभी मैं हूँ अपनी कैट की लैब में, और यहाँ से ऑटो कैट सिखाया जाता है। तो ये रहा वो सॉफ्टवेयर विच इज़ रनिंग ऑन द सिस्टम, बंद हो गया। हाँ तो ये रहा ऑटो कैट का सॉफ्टवेयर, इसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, और बाकी लड़के लड़के बैठे हैं इसमें, मतलब पैदल नहीं चलना पड़ता इसमें, ऐसे करके जिसमें बाइक के बगल में जाना रहता है। जैसे हमारे हाकम भाई हैं, ये पुलिस में थे। क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो? देखो भाई चलो भाई ठीक है भाई, भगा रहा है गाइस मुझे, भगा रहे हैं लौंडे, पता नहीं क्यों नहीं बात कर रहे। निकालो अपनी ट्रॉली, अभी हम जा रहे हैं इधर, और हम जाएंगे अब मनोज सैनी के पास। भैया एक बात देख रहे हो गाइस, पुलिस वाले की हरकतें, पुलिस वाले की हरकतें देख लो तुम। तो ये देखिए ये इनकी डिजाइनिंग बन रही है, ये बन रहा है, ये बन रही है सिविल 3D, ये सिविल 3D है, ये देखो जॉली एलएलबी देख रहे हो, ये मनोज शर्मा आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, और ये हमारे कोरिया के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं बहुत जल्दी। इधर देखिए, आपकी अपनी कोरियन की जनता को कुछ कहना चाहें? नथिंग। चलिए ठीक है, अब हम आपको पारस भाई से मिलाते हैं, आइए। हाय गाइस, ये हमारे पारस भाई हैं, इनका निकनेम क्या है? पारस ही है, बता दूं सबका आपका नाम? और गाइस मैं आपको बैंगर मंदिर सुनाता हूँ। बोले गाइस को आप मेरे ब्लॉग देखते हो? ब्लॉग से वाह करवा दी मैंने इससे, देख लो मेरा YouTube चैनल, और मैंने खोल दिया इसको कंप्यूटर में, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कुछ। तो ये देखो प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने, और इस प्लेलिस्ट पे जाएंगे अगर आप, तो अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो है यहाँ पे, रुक जाओ,
तो ये देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है आपके लिए। ये हमारे कॉलेज की डायरीज हैं जिसमें की कॉलेज के एपिसोड हैं, ये वीडियोस हैं मैंने बना रखी है सारी कॉलेज की वीडियोस हैं, इन्हें चेकआउट कर लीजिए। जितना डिज़ाइन तो कुछ हो नहीं रहा है लॉन्डो में से। ये देखो कोई क्रिकेट खोल के बैठा है, ये भाई पिक्चर देख रहा है, तो क्या कर रहा है भाई, ये कर रहा है। बेस्ट चेक दिस आउट, ये भाई लोग यहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं और ब्रिज मेकिंग कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये है हमारी क्लास के सत्तार। सत्तार क्या कर रहे हो तुम बच्चों से? जूनियर की प्रैक्टिस हो रही है ब्रिज कॉम्पिटिशन में। कहाँ जाएंगे? उड़ के जाएंगे। अरे वाह, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और भाई किस चीज़ का, कौन सा पुल बना रहे हो तुम? ये सर ब्रिज बन रहा है। कौन सा है? सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, तो ठीक है बनाओ, जब कम्प्लीट हो जाएगा तो सर को दिखा देना और भाई को ए प्लस दे दियो। ठीक है, चल ऑल द बेस्ट। और ये हमारी क्लास की कन्या है, हेलो कर दो भाई। Hi. तो वो बोल दो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो अभी आया हूँ मैं कैंपस शॉप में और मेरे को कपड़े धोने हैं, तो कुछ सर्फ एक्सल वगैरह लेने थे मुझे, तो दो दे दो मुझे 10-10 रुपए वाले। पैसे की बहुत दिक्कत होती है, 10-10 रुपए में काम चलाना पड़ता है यहाँ पे। और बहुत सारे अच्छे देखो 10 रुपए का, देखो ये मिल गया हमको सर्फ एक्सल। कितने कपड़े धुलेंगे मेरे? 4 कपड़े हैं मेरे, वो धुल जाएंगे इसमें पूरे महीने भर का कोटा। और गरम बुलन बुलन कपड़े धोने के लिए हमको यहाँ पे से इजी भी लेना है। और बताओ भैया क्या हाल चाल, खूब चाह? फर्स्ट क्लास। क्यों नहीं ताजी? मैच दिखना भैया, यहाँ पे लगाया रहता अपना मैच और प्यारे प्यारे गाने सुनाते हैं भैया हमें। दोबारा से आज नया स्टॉक रिफिल हो रहा है और कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स आ रखी हैं ये देखिए। 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। आज एक पेपर बोर्ड पिला दो यार, लाओ देखो ये देखो पेपर बोट ही पी के मेरी जिंदगी का गुजारा चल रहा है यहाँ। जिंदगी हो तो ऐसी हो, ऐसी जिंदगी चाहिए मुझे, कुत्ते की जिंदगी, आराम की जिंदगी। स्टार्ट। अच्छा फोटो खींच रहा है क्या? वीडियो बन रही है। अबे वीडियो बना रहा क्या? अबे मजाक कर रहा था, मजाक ना करता मैं। ए इधर कुआ, इधर कुआ, यो मेरा पड़ोसी है, यो भाई भी मेरा हॉस्टल में रहे, जो रुड़ क्यों गए हैं? अबे बोल के दिखा, नू कह दूं? ऐसे नहीं बोल। अबे क्यों? अबे भाई तो बोल के दिखाना फिर। नहीं, नहीं भाई। अबे देख मैं चाहता हूँ कि हर किसी की जो लोकल लैंग्वेज का प्रमोशन हो। मेरी ही नहीं है लोकल लैंग्वेज, सिंपल वाली, सिंपल वाली है। अबे तुम प्लेन भी है। मुझे मजा आता है ना यार, है यार, यार साले करते नहीं, मैं शरमाते हैं लड़के, तू बोल के दिखाइए। हेलो गाइस, तो क्या नाम है? एडवेंचर डायरीज। कौन सी डायरी? एडवेंचर। तो अरे छोड़, मेरे फ्रेंड से ज्यादा मजा आओ। अबे अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? इधर तो आए, आए हमारे हैं छोटे भाई। और कहाँ जा रहे हो आप? रैली जा रहे हैं। चलो देख रहे हो गाइस कितने अमीर लोग हैं, बटर चिकन वगैरह खाने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और हम लोग इस मेस का खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? आपको कैसा लगता है मेस का खाना, ये बताओ? मेस का खाना तो बढ़िया है, मतलब ठीक ठाक है, इतना अच्छा भी नहीं, लेकिन खाने लायक है बट पचाने लायक नहीं है। पचनी बार है हजमोला की गोलियां और वो करवानी चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हो उसे? इशू इशू। हाँ इशू। कुछ बोल के दिखाएं हमारी ऑडियंस को। सो मेनी पीपल्स आर वाचिंग यू। ऐसे में ज्यादा अच्छा आएंगे। सनबर्न और रखा है हमारे ना। आपको क्या ही होएगा सनबर्न में, इतना गोरा लौंडा भयंकर, तो रात में चमक शर्म की बात क्या है? शर्म मैंने सबकी शर्म उतार देनी। और ये हमारे भाई है, तो ये रहा मेरा हॉस्टल और ये वाला है मेरा कमरा ऊपर। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से और चलते हैं अंदर, आपको लेके चलते हैं। ये देखिए डॉगीज भी हमारे हॉस्टल में घूमते रहते हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और थोड़ा और ऊपर जाएंगे। पहले तो पूरा दिन सीढ़ियों में ऊपर ऊपर करते हुए आफत आ जाती है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी विंग में। फाइनली मैं अपनी विंग में पहुँच चुका हूँ और ये देख सकते हैं इधर 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 कमरे हैं, इधर वाशरूम है और इधर इधर भी कमरे हैं। और ये हमारा रूम है, तो इसका दरवाज़ा कुछ यूनिक सा है। इनके ऐसे हैं, बाकी रूम के अंदर लेके चलता हूँ। एक सेक्शन इधर है, ये वाला मेरा सेक्शन है और एक भाई का सेक्शन है हमारा ये। और यहाँ से जो ब्यूटीफुल सा व्यू दिखता है गाइस, लेट मी शो यू। इतना सनसेट वगैरह दिखता है और बहुत ही प्यारी लोकेशन है, सारा CCTV का काम हो जाता है मतलब यहाँ से। और यहाँ से इस साइड बहुत ब्यूटीफुल सनसेट दिखता है खिड़की से। और अब हम चलते हैं कपड़े धोने। ये देख सकते हैं कंस पटर हुए हैं। तुम लोग ये देखिए, ये वाला सेक्शन इस वाले बंदे का है। और इनने देखिए क्या आर्ट वगैरह बनाई हुई है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। गंदगी कुछ नहीं दिखा रहे यार। अभी पहले हमें सफाई भी करनी है रूम की। मेरा सेक्शन देखो कितना गंदा फैल रखा है, ये मैंने पिछले सेमेस्टर करा था। और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल गाइस,
कितना गंदा रखा देगा टेबल भी। और ये हमारे भाई हैं अजीत, और इनका हमारे निक नेम रखा हुआ है, थोड़ा हिमाचल वाले हैं, थोड़ा जौनसार वाले हैं, तो इनका नाम हमने माचो भी रखा हुआ है, लिंट रिमूवर। और ये वाले भाई आए हैं हमारे पास कि हमारे कपड़ों का बुगियाँ उतार दो, तो ठीक है फिर हम इनका काम करने वाले हैं। और अपना फ़ोन का चार्जर हटा के इसको लगा देते हैं, और अब हमारा लिंट रिमूवर इज रेडी टू बूम बाम बूम। रिमूवल में हॉस्टल से टपा के लाया हूँ, किसी का पता नहीं किसका है। और ये भाई हैं हमारे, चलिए खड़े होइए यार, आपको दिखाते हैं हम इनका लिंट रिमूव करके। इस साइड आओ जरा, इस साइड आओ, इस साइड, और इसको ऐसे करके ऑन करते हैं। ओ नाइस, हो रहा ना बढ़िया, नाइस ब्रो। अब इसके अंदर मोटर लगी है, सक्शन वगैरह कर रही है, मैं खुद ही कर लूं भाई। तो चलो खुद कर लो, हाँ कंटेंट मेरा निकल चुका है, अब तुम खुद करो से साफ। और मैं जा रहा हूँ कपड़े धोने के लिए, मेरा ट्राईपॉड कहाँ है। तो गाइस आई एम यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स टुडे, और नो स्पॉन्सरशिप, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका वो है कपड़े भी हो रहा है। हाँ यार वाओ, कैसा लगा वो तो बता। गाइस मैं जा रहा हूं कपड़े धोने के लिए, धोने पड़ते हैं। अगर आप बाहर से धुलवाते हैं तो वो अच्छे से नहीं धोते हैं, मतलब मेरे को ट्रस्ट नहीं होता, तो मैं अपने कपड़े खुद धोता हूं विद यूजिंग सर्फ एक्सेल। और हम इसे थोड़ा सा ऐड ऑन करने वाले हैं सर्फ एक्सेल, इसको हमें थोड़ी देर तक ऐसे करके घुमाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। और इसके अंदर हम बनाएंगे और जब हम इसके अंदर छाल बना देंगे, उसके बाद हम अपने कपड़े डिप करके इसमें जो हमने डिप करके रखे उसे सर्फ एक्सेल में इसे दोबारा से सर्फ एक्सेल में डिप करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है कपड़े धोने में, बट जब कपड़े धुल जाते हैं उसके बाद जब हो जाते हैं कि चलो आप इन कपड़े को दोबारा पहनेंगे, बहुत कमर दर्द हो जाती है। कपड़े धुल चुके हैं और अभी मैं आया हूँ टेरेस पे। ये देखो बच्चों ने पहले से कपड़े सुखाए हैं, रजाई गद्दे सुखाए हैं, और ये खाली जगह मिली है मुझे, यहाँ पे मैं अपने कपड़े डालने, तो कपड़े सुखाने डाल दिए मैंने छत पे। और अब जाता हूँ रूम पे, और क्या बोलते हैं कुछ और काम भी करते हैं। और ये देखो भाई लोग अपनी रजाई गद्दे उठाने आ रखे हैं यहाँ पे। गाइस मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको कुत्ते ने काट लिया है, वो बताएंगे स्टोरी। ये देखो उंगली लाल हो रखी है। और कितने इंजेक्शन लगे हैं आज आपको? छः इंजेक्शन लगे हैं, किधर मत अब हो गया, इस भाई को भी काट दिया है। तो दिखाइयो तुझे क्यों काटा भाई, मैं तो प्यार करने गया था। प्यार करने गया था, प्यार के लायक। इससे पता चलता है प्यार मत करो किसी से, ये सही बात है, ठीक है, सही आदमी से करो। और ये भी था प्यार वाला, पर इसकी टांग मेरी बच गई, टांग इसको जकड़ लिया बेचारे को। क्या है कुत्ते का नाम? गोंडू। उस कुत्ते का नाम है आयुष गोंडवाल, बीटेक थर्ड ईयर मैकेनिकल। उससे बच के रहना, सारे जीबीपीआईटी के स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है। ठीक है ठीक है। और डायरेक्टर से एप्लीकेशन भी आई है कि आयुष गोंडवाल से बच के रहना। बहुत धन्यवाद कुत्ता है। ये बहुत, तुम्हारा क्या नाम है बताओ? हमारा नाम है चिंकी पांडे। चिंकी पांडे, तेरे को कितने इंजेक्शन लगे? दस लगे। इंजेक्शन तीन थे, दस बार लगे। दस बार मतलब? हाँ, दस जगह पे। भाई ये तो बहुत तकड़ा लग गया यार तुम्हारे। किधर घूमना? तीन यहाँ लगे। किधर किधर लगे इंजेक्शन? किधर लगे तो बताओ। तीन इधर लगे। और यहाँ पे इंजेक्शन लगा उंगली पे? तीन इधर। ओ भयंकर। दो इधर, ऐसी कुछ। अभी तो उंगलियां फूल रही है। दो इधर। हाँ। एक इधर। हाँ। एक इधर। हाँ। और तीसरा समझ जाओ। बाकी इसीलिए दोस्तों सतर्क हो जाओ और इस गोंडवाल से। ठीक है। सीरियसली सच में काटा, एक छोटा सा कुत्ते का पपी है, उसने काट दिया इनको। ये कुत्ते का पपी। उसमें उसके हाथ में चोट लगी हुई थी और ये लोग उन्हें बचाने जा रहे थे। क्या कर रहे थे तुम? मैं जरा सिप्पू पे गया था काम से। वापस आते मैं ऐसे थोड़ा सा साइड करने के लिए प्यार सा कर रहा था उसको। यहाँ तक पकड़ा उसने, यहाँ तक इतने पकड़ी उंगलियां पूरी। क्या करने गए थे बिट्टू ये बताओ? कुछ नहीं यार, हम तो उसकी मदद करने गए, हमने बोला पाँव टूटा हुआ है, ठीक हो जाएगा। सही बात है। फिर उसकी मम्मी को प्यार वार किया हमने, तेरे मम्मी से सेटिंग करी, तभी काटा बेटा। हाँ गलत। जैसे ये बायोटेक की सीढ़ी पे पहुंचे ना, तब तक ये महाराज आ रहे थे उधर से, ठीक है। अरे मैं और ये वो गए, ये बॉल नीचे गई, हम बॉल देखने गए, मैं आगे से गया, पीछे से ये वो आया, वो कुत्ता पहले से चिल्ला रहा था, अब मैं लगा पाउंड सुबह से हल्ला कर रहा, वो चोट भी लगी उसके पाँव में। पहले तो हम उसकी माँ भी चुप कर हम लोग, वो थोड़ी देर खेली कूदी हमारे साथ, हमने उसके साथ हाथ किया आगे, वो तो ऐसे बढ़िया तरीके से आई, ठीक है, हमने सोचा चलो वो भी कुछ नहीं कहेगा, तो थोड़ा माँ के साथ हमने इतना वो रिलेशनशिप कर लिया, तो क्या पता कॉन्टेस्ट रिलेशनशिप बना ले भाई। मतलब नेचर, मतलब ना एनिमल नेचर ऐसे ही होता है, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड टाइप का बन गया, क्या पता। पर उसने क्या किया, पूरा खा दिया यार उस हाथ, मैंने ऐसे हाथ आगे किया, उसने पूरा हाथ ही मतलब मुँह में ले लिया यार। फिर कुछ नहीं, मैंने उसको ऐसे उठाया और ऐसे ऐसे किया, और फिर वो नीचे गिर गया।
ये कहाँ लगी आपकी, ये कहाँ से लगी? लग गई यार बस। अरे लग गई, व्लॉग बना रहे हुए किसी लड़की के कंधे बात रख दिया उन्होंने, लैपटॉप खींच के है ना। ये हमारे तिवारी जी तिवारी है तो बताओ आप अपने पापा के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो? भाई मैं क्यों कहूंगा अपने पापा के बारे में, मुझे 1.5 साल और है यार, अभी मेरे को पैसे पूछे चाहिए इतनी जल्दी नहीं कुछ। क्यों इतनी जल्दी? अरे तो मैं अपने पापा को तुम ऐसे हमारे सामने बहुत चीजें बोलते रहे कि आपके पापा बहुत अच्छे हैं। गाइस मैं आपको एक रूम के अंदर लेके जाने वाला हूँ, यहाँ 3 नमूने रहते हैं, एक घट जा रखा है, 2 तो हैं, अभी देखो एक आएगा। वर पक्ष लिखा हुआ है यहाँ पे, अंधेरा अंधेरा अंदर। एक यहाँ पे घायल सो रहा है और दूसरा दिखाता हूँ, एक तो घट जा रखा है और एक ये है। गाइस देखो ये लौंडा, अमीर लौंडा, वायरलेस चार्जर ले गया है, इससे चार्ज करूंगा अपना फोन। पीनट चाट है वैसे भी यार, मैं नहीं खा रहा हूं। तुझे मेन्यू पूरा पता रहता है ना? हां पीनट चाट है। दिखाइयो शक्ल तो, दिखाई बार गाइस को। गाइस ये देख लो, ये शक्ल मतलब सुबह उठते है किसी ने देख ली इसको, पूरा दिन खराब होने वाला है। और ये देख लो चेकआउट करते हुए जाएंगे। चलो गुड नाइट भाई, मैं जा रहा हूँ अभी चाय पीने, मैस का टाइम हुआ था और ये मैंने ग्लास ले लिया और आज मैंने अपना सेक्शन थोड़ा साफ करा है, ये देख लो थोड़ा साफ है। और अभी चाय पीने जा रहे हैं, आपको मिलते हैं मैस में। आता पीता तो है तो रोज रोज मैच पे। अरे मुझे पता नहीं था। चलो कोई नहीं, बार से मेन्यू याद रखना। एक लौंडा तो मेरे को अर्पित मेन्यू दिखा रहा फोन में खोल के। हब्सी है ना वो, हब्सियों के बुरा। गाइस आपको चेकआउट करवाते हैं, देखिए बाहर हो रही है बारिश और मौसम हो रहा है काफी ज्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, चिल हो रखा है आज मौसम पूरा चिल। और देख सकते हैं टोबा टापा लगा रखा है मैंने और चाय पीने जा रहे हैं हम मैच में। मौसम और चेकआउट करवाता हूँ आपको, ये देख लो टेम्परेचर बिल्कुल 0000 होने वाला है। आपको ठंडी नहीं लगती क्या? कपड़े पहन तो कपड़े पहन रखे, कपड़े नहीं पहने होते तो ठंडी लग जाती है। ये आपने बढ़िया करा, कपड़े पहन लिए गुड। और बाकी अभी हम जा रहे हैं मैस में और मैस के अंदर लेके चलते हैं, अंदर चलते हैं मैस में। और ये देखिए हमारे लॉन्डे स्पॉटेड हो चुके हैं सिविल बॉयज, क्या खा रहे हैं उन्होंने भाई? चकना। चकना बनाए। और ये सूजल आप भी खा रहे हो, इनका तो फेवरेट स्नैक्स है आज का। और ये हमारे डंगवार, और भाई कुछ बोल के तो दिखा दे, क्या बोलूं भाई, इतने सारे लोग देख रहे हैं तेरे को। जनता बहुत सारी है पर बोलने को कुछ शब्द नहीं है मेरे पे। यार शब्द ले जाओ, प्यार मिल रहा है जनता का। क्या बना ये मेरे लिए है? थैंक्स, यहाँ पे रख दो। चलो अपने लिए लेके आओ। और अभी हम चलते हैं भाई जी के पास। अरे यार भाई जी, और आज चकना बना रहे हैं लौंडों के लिए। ये खूब बना रखा तुमने, ठंडा भी हो रहा है। पीनट भाई खोल दे रहा है, जरा मदद कर दीजिए थोड़ी सी हमारी। चलो 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 चलो, स्टॉप स्टॉप। बस ये देखिए इन्होंने हमारी मदद करी है डंगवाल ने, और ये हमारे लिए स्नैक्स लेके आ रहे हैं, ही इज ऑल्सो गुड बॉय। और ब्लॉग में देख लो रोंडो जरा एक बार। दारू की बदल चाहिए तुझे? देख लो सर हमारे कॉलेज के वार्डन वार्डन सब देख रहे होंगे, इसको क्या चाहिए? चम्मच करवा देने, चम्मच। हाँ चम्मच भी नहीं है लड़कों के पास। और ये बोल रहा था क्या चाहिए? अरे तुम्हारे भी लगी है गाल पे, मेरे भी लगी है सेम पिंच। ये जिस रीजन से गिरा ना वो बोल नहीं सकते। ओ, मैं तो भाग से लड़ने गया था भाई। चल ठीक है सूरज, चल चलते हैं मैस से बाहर। और यहाँ पे ना खड़े होके ना खाने पीने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि दूसरे वाले नजारे भी तो, हाँ नजारे काफी तगड़े होते हैं यहाँ पे से। और ये वाले नज़ारे तो मेरे को बढ़िया लगते हैं ज्यादा। आज देखो पूरा मौसम पैक हो रखा है, पूरा आसमान पैक। और ये देख लो कहाँ जा रहे हो गाइस, डंडा लेके बंदर भगाने। वेरी गुड, ये देख सकते हैं हमारे बॉयज आ चुके हैं। तुम्हारी उंगली में क्या भाई? ये गैंग साइन। हमारे दोनों भाई मिले हैं, हमारे बट्टू भाई और ये हमारे अभी भाई। तो वीरे क्या हाल है आपके? सागे बढ़िया, तुसी सुनाओ। हम बढ़िया। हमारे भाई हैं अभी शर्मा और बहुत ही प्यारा बंदा है। और आप आज काफी ठंड हो रही है, ठंड के बारे में कुछ कहें जनता को? ठंड तो बहुत ज्यादा हो रही है, पौड़ी में तो मैंने पहली बार देखी ऐसी ठंड। अच्छा ये बंदा जम्मू से है, इज फ्रॉम जम्मू। और आपको पौड़ी गढ़वाल कैसा लगा? पौड़ी गढ़वाल काफी अच्छा जगह है,
बहुत ही सही सीनरीज है, इंटरव्यू चल रहा हमारा, पीसफुल है ना। और आपको यहाँ की चीजें क्या अच्छी लगती है? यहाँ की शांति, आज की ठंड, हाँ यहाँ वैसे शांति है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठंड यहाँ की शांति और यहाँ की हॉस्टल लाइफ सही बहुत ही प्यारी है। आप भी देखिए एडवेंचर डायरीज में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एडवेंचर डायरीज को। आज भाई का बर्थडे भी, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम्हारा बर्थडे है। हाँ चाय वगैरह पीता हूँ और उसके बाद मुझे अभी रील वगैरह एडिट करनी है अपने इंस्टाग्राम के लिए। अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया अभी तक तो फॉलो कर लीजिए, यूजर नेम नीचे है। और ये देखो कितनी प्यारी चिड़ियाएं उड़ रही हैं। ओह चलो ठीक है, तो चिड़ियाएं भी अपने घर चली गई हैं और हम भी चलते हैं अपने घर, अपने हॉस्टल। और आपको और भी एपिसोड्स लेके आएंगे आपके लिए बढ़िया बढ़िया।